For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Deepa Rajani. I'm consultant dermatologist. I'm from Hyderabad and today I'm going to talk about very common skin concern, and that is oily skin. But first of all, we should know our skin type. और स्किन टाइप को जानने के लिए बहुत ही एक आसान तरीका है. उसके लिए सबसे पहले आप अपनी स्किन को वॉश कर लें और उसके बाद कोई भी क्रीम और मॉइस्चराइज़र अप्लाई ना करें. उसके एक घंटे के बाद अपनी स्किन को नोटिस करें कि आपका ओवरऑल स्किन पे शाइन आ रहा है, स्पेशली चीक एरियाज पे, तो आपकी स्किन टाइप डेफिनेटली ऑयली स्किन टाइप है. अगर जस्ट आपका फोरहेड, नोज एंड चिन एरिया शाइन कर रहा हो, टी जोन एरिया, दैट मींस आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें. और अगर आपका ओवर फेस पे अगर खिंचाव सा फील हो रहा हो, दैट मींस आपकी ड्राई स्किन टाइप है. ये थी हमारी स्किन टाइप. अब हम कॉजेस पे आ जाते हैं. कॉजेस में हमारी स्किन की डीपेस्ट लेयर, डर्मस लेयर में सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंस होते हैं और वो सेबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं और वो सीबम हमारे स्किन में मॉइस्चर को लॉकअप करके रखता है. लेकिन वो सेबेशियस ग्लैंड्स जब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाए ड्यू टू एनी रीजन्स, और वो रीजन्स ये हो सकते हैं कि मे बी आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ओवर वॉश कर रहे हो और बहुत ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्क्रब्स यूज़ कर रहे हो, या अपनी टाइप स्किन टाइप के मुताबिक कोई प्रोडक्ट्स यूज़ ना कर रहे हो. दूसरे ये कि मे बी आपका इन्वायरमेंट हॉट हो, ह्यूमिड हो, उस वजह से भी ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है. तीसरा ये कि मे बी आपको जेनेटिकली स्किन टाइप ऑयली मिली हो अपने पेरेंट्स की तरफ से. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें. या मे बी आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, स्ट्रेस लेने की वजह से भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है और वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स को एक्टिव करता है. इसके अलावा मे बी आपकी डाइट बहुत अच्छी ना हो और आपकी डाइट में आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, शुगरी प्रोडक्ट्स लेते हो, बैलेंस डाइट ना लेते हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा लेते हो. उसके अलावा फीमेल्स में अक्सर बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन्स की वजह से सेबेशियस स्किन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इवन ब्रेकआउट भी कर पाते हैं. अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन पे. प्रिवेंशन के लिए सिंपली आपको अपने फेस को ट्वाइस अ डे वॉश करना है, किसी भी माइल्ड क्लींजर से वॉश करना है. अगर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर्स हो, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्लींजर्स हो, तो बहुत अच्छा है. उसके बाद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर ज़रूर करना है, विच इज़ वेरी मच मैंडेटरी. मॉइस्चराइजेशन के लिए आप अगर लेबल देख कर लीजिए, स्पेशली अगर उस पर मैंशन हो नॉन कॉमेडोजेनिक, नॉन ऑयली, और जेल फॉर्म में अगर मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं ऑयली स्किन और एक्टिव फॉर्म स्किन के लिए. उसके बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करें और सनस्क्रीन भी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करें, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, और इसके बाद अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लीजिए. इसके अलावा भी अगर ये चीज़ें काम ना करें तो हम टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिकल रेटिनॉइड्स आ जाते हैं, जैसे कि डेज़ारोटीन है, एडाप्लीन है, ट्रीटिनॉइन है. उसके अलावा नियासिनामाइड भी है जो कि जेल फॉर्म में भी आता है, सीरम फॉर्म में भी आता है. उसके अलावा सिस्टमिक ट्रीटमेंट भी है, अगर टॉपिकल फेल हो जाती है तो हम सिस्टमिक भी देते हैं. लेकिन सबके लिए आपको डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा. सेल्फ मेडिकेशन आप मत कीजिए. सिस्टमिक में हमारे पास आइसोट्रीटिनॉइन का ऑप्शन होता है. तो ये तो थे कॉजेस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. ओके, खुदा हाफिज़. थैंक यू. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें.